हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ा रहे थे, तो उस पर हमारा पेज नंबर 12 पे थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं, फिर हम इसका पार्ट नंबर 3 आगे बढ़ाएंगे वीडियो में। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि वो दोनों बैल वहाँ से भाग निकले थे, ठीक है। दोनों के बीच वो बातचीत हो रही थी कि मतलब इनको मारें या ना मारें। उन्होंने कहा, बैल एक बैल दूसरे से बोला, हमारा धर्म नहीं कहता है कि हम इन लोगों को मारें। दोनों बैल भूख से व्याकुल हो रहे थे, मटर के खेत में खाना खाने लगे थे। और फिर ये दोनों खाना खाने के बाद अपनी उनके अंदर खाना भी पहुंच गया था, तो अपनी खुली हवा को, अपनी आज़ादी को महसूस करने लगे थे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी कि पैराग्राफ जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है, वहाँ आते हैं। चलो उसको हम रीड करते हैं। अरे यह क्या है, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ रहा आ पहुँचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। देखते हैं दोनों बैल, जब वही टाइम था जब ये लोग अपना फील कर रहे थे आज़ादी को, कहते ना सिर मुड़वाते ओले पड़े, और ओले पड़ गए। सांड सामने से आ गया, और सांड बैल जाति को देख के भड़क रहा था। उन लोगों को देख के वो समझ रहे थे कि ये भड़काऊ सांड हमारे सामने आ पहुंचा है। सोच रहे थे जान कैसे बचाई जाए। सीधा का सीधा पॉइंट आ गया जान पे बचाने के लिए। कितनी भयंकर सूरत है इसकी, सांड खतरनाक लग रहा था भैया, बहुत तेज। सांड का तो नाम ही खराब है। मोती ने मूक भाषा में कहा, कहाँ बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती ना सुनेगा, भाग क्यों नहीं चलते। वो कहता है, सांड जो उन्होंने देखा था, उसका डीएनए की तरह विश्लेषण किया और कहा, ये सांड तो अपनी घमंड में भूला हुआ है, ये हमारी बात सुनने वाला नहीं है, आरजू बिनती नहीं सुनेगा, भाग चलो, इसी में भलाई है, ठीक है। कभी कभी शत्रु को पीठ भी दिखानी चाहिए, जान मिलनी मिले तो। भागना कायरता है, देख लो हीरा और मोती में एक महान भी है। भागना कायरता है, फिर भी यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ा। लेखक कहता है, एक कहता है तो फिर तुम यही मरो, दूसरा बैल कहता है बंदा तो 9-2-11 होता है भैया, मेरे बस की नहीं है जान खोने वाला। मतलब हीरा मोती एक दूसरे को इस तरीके से बात कर रहे थे, सांड से घबरा गए थे। घबराए हुए हीरा मोती कहता है बंदा तो, एक बोलता है कि बंदा 9-2-11 होता है, तुम खड़े रहो यहीं पे, मैं तो जान छोड़ के भागूंगा। और जो दौड़े, यानी कि दौड़े तो दोनों बैल हैं, ठीक, तो कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जाने एक साथ चोट करेंगे, ठीक है। उपाय सोचने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला कि दोनों सांड को ऐसे मारेंगे, तुम इधर से मैं इधर से, तभी सांड से जीत पाएंगे। मैं आगे से रगेदेगा, तुम पीछे से रगो दोगी, दोहरी मार पड़ेगी, जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं, मरता क्या नहीं करता, दोनों लड़ पड़े। भागना कायरता थी, हम इसीलिए आपको समझा रहे थे। उनकी भी जो बात हुई थी, एक्चुअल में दोनों एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों धर्म के खिलाफ नहीं गए हैं। प्रेमचंद जैसे लेखक धर्म के खिलाफ जा ही नहीं सकते, समाज में विरोध प्रदर्शन मतलब अलग से सिद्धांत नहीं बनाते, विरोध नहीं कर सकते थे, धर्म का विरोध नहीं किया, तो दोनों उनके खिलाफ नहीं गए, और दोनों ऐसे लड़े सांड से, इधर से एक ने इधर से, एक ने इधर से, बीच में सांड, ठीक है। और मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसे पेट में सींग उसेड़ देना, जान जोखिम में, और कोई दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, पॉइंट टू बी नोटेड। सांड ने अकेली लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेखक कहता है, पर ग्रुप वाली लड़ाई सांड को नहीं आती थी। यहीं पर ये लोग पक्के हो गए, यहीं पर इनका बल मजबूत हो गया। वह तो शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था सांड, ठीक है। ज्यों ही हीरा पर झपट्टा मारा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों उस्ताद थे, ठीक है, उस्ताद थे, उसे अवसर ना देते।
यही उन दोनों के बीच एक तरीका हुआ है। ये बात देखिए कि हमें अपने दुश्मन को किस तरीके से हराना है। ये इसमें जस्ट फॉर फन नहीं है, हमें अपने दुश्मन को डिफीट देने की कला आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को कि दुश्मन को डिफीट किस तरीके से देनी है। ठीक है, सांड को डिफीट बैलों ने दे दी। ठीक, एक बार सांड झल्ला का हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ा। देखिए संगठन में शक्ति है। एग्जाम्पल सांड है, दोनों इकट्ठे होके लड़े तो सांड जैसी महामारी हार गई। ठीक है, दोनों मित्र विजय के नशे में झूम चले थे। दोनों मित्रों को विजय का नशा चढ़ चुका था। सांड से जीतने का मतलब है एवरेस्ट पर विजय कर लेना जैसा, फतेह हो गए थे आज, फतेह। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं, सांड को बच्चा बना दिया। देखिए लेखक क्या मतलब एक स्वस्थ मनोरंजन देखा है। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। मतलब यदि देखिए ये युद्ध का रूल होता है, यदि दुश्मन तुम्हारा गिर जाए तो तभी उस पर पूरी दम नहीं दिखाना चाहिए। यदि आप वास्तविकता में दमदार हैं तो दुश्मन से जब लड़िए जो आपकी शक्ति से शक्ति लड़े। जब दुश्मन खुद ही मर रहा है उसे तुम मारो, ये आप उसे वीरता का परिचय दो, ये वीर नहीं है आप। ठीक है, आप सबसे बड़े कायर हैं क्योंकि आप किस पे हमला करें, कमजोर व्यक्ति पे। एक जो मतलब जो परे मतलब कहते हैं ना, जो मरने जा रहा है तुम उसे मारने जा रहे हो। ठीक है, इसे आपका हौसला अफजाई हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही लेखक भी सिखाता है कि गिरे मरे पर वार करना या मरे हुए को मार डालना, ये वीरता के नहीं, वो तीस मार खा वाली बात। एक बार एक व्यक्ति ने 30 मक्खियां मार डाली और पूरे में हल्ला फैला दिया, मैं तो 30 मार खाऊं। लोगों ने पूछा, भाई 30 मार खा का मतलब यह है कि किसी बड़े बड़े युद्धों में भाग लिया हो और बड़े बड़े 30 लोगों को मारा हो, लेकिन अंत में पता चला 30 मक्खियों को मारने वाला व्यक्ति 30 मार खा था। ठीक है, तो ऐसा ना बने, ऐसा 30 मार के पैसे तो बहुत हैं हमारे समाज में, ऐसे ना बने। लेखक भी इनको बनने के लिए हमें रोक रहा है। आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। हीरा ने तिरस्कार वो हो गया, अब घर कैसे पहुंचे ये सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचो। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मैड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद किए गए। ये वो बात है जो हम कभी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इस चीज़ को यूज़ नहीं करते। यदि एक मित्र को डांट पड़ती है, टीचर डांट रहा होता है, तो उसे टीचर को उकसाने में दूसरा मित्र पूरी कसर नहीं, पूरी बिल्कुल जो उसका पार्टनर होता है कोई कसर नहीं छोड़ता, उसकी वो पॉइंट तक लाता है उसे अंत पॉइंट तक, कि भगवान करे कि क्या क्या ना हो इसके साथ। उस समय उसकी स्थिति बड़ी देखने लायक होती है। वो अगर साइकोलॉजिकली इसका विश्लेषण किया जाए तो वहाँ का जो ट्रायंगल स्टोरी चलती है टीचर और सपोर्टर उसके बीच, बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन लेखक कहता है ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, हीरा मोती के बीच ऐसा कुछ नहीं था। देखिए क्या क्या होता है, मटर के खेत में घुसते हैं मोती महाराज और हीरा खड़े रहते हैं। मना करने के बाद मोती महाराज अंदर चले जाते हैं, हीरा बाहर खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि खतरा कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्या करें, मोती को नहीं समझा पा रहे थे वो, तो मोती अंदर घुस गया। ठीक है, अंदर घुसा और हुआ क्या, डंडे पड़ने लगे। मालिक तुरंत आ गया और दोनों जब उस पर डंडे पड़ रहे थे तो उसने हीरा ने भागना उचित नहीं समझा और दोनों ने 7 डंडे खाए। तो ऐसा ही करें, जब स्कूल में आपका पार्टनर पिट रहा हो तो उसकी हौसला अफजाई, टीचर की हौसला अफजाई ना करें,
बल्कि अपने पार्टनर के प्रति कुछ संवेदनाएं भी रखें। ठीक है, ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा पेज नंबर 14 का पैराग्राफ नंबर 4 से शुरू होगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, स्टे होम, बाय बेटा।